हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कीपैड मोबाइल का स्विच ऑफ नहीं खुल रहा है, मोबाइल स्विच ऑन नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इसे 100% सही करेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं इसे अभी खोल कर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आपको सिंपली करना क्या है, सबसे पहले आपको इसे पीछे से खोल देना है। यहाँ पर इसके कवर को निकालना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, बैटरी को निकाल देना है। देखिए, बैटरी हमने निकाल दिया, इस प्रकार की बैटरी है, आपकी भी होगी फ़ोन की बैटरी। तो आपको करना क्या है, जो ए है यहाँ पर बैटरी का ए वाला जो हिस्सा है, इसे आपको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर यहाँ पर ज़्यादा कचड़ा है तो आप क्या करना, इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसे साफ़ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप इसे साफ़ कर लेना। और जो ए है यहाँ पर, आप चेक कर लेना कि तीनों पिन जो है ये बाहर की तरफ है कि नहीं है। अगर ये बाहर की तरफ नहीं रहेगी तो फिर आपका मोबाइल जो है स्विच ऑन नहीं होता है। अगर इनमें से एक भी पिन दबी हुई रहेगी तो आपको इसे बाहर कर लेना है। किसी भी पिन से आप इसे थोड़ा बाहर कर सकते हैं, यहाँ पर इसे ध्यान देना है। तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, इस पिन को सही कर लेना है। अगर इसमें से कोई गड़बड़ है तो, अगर इस प्रकार दबी रहेगी तो आप पिन से थोड़ा बाहर खींचेंगे तो बाहर आ जाएगी। तो आपको इतना करना है। इतना करने के बाद आपको इस प्रकार बैटरी को लगा देना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर यहाँ पर बैटरी ढीली रहती है यहाँ पर लगाने के बाद, तब भी मोबाइल स्विच ऑन नहीं होती है। तो अगर ढीली है तो यहाँ पर आप एक कागज़ का छोटा टुकड़ा लेकर आप इसे यहाँ पर लगा देना इस तरीके से, या इस तरीके से दाब कर आप मोबाइल के लाल बटन को आप दबाना, तो आपका जो स्विच ऑन है, देखिए मोबाइल का जो स्विच ऑफ है, स्विच ऑन हो जाएगा, मोबाइल खुल जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर ये ढीली रहेगी बैटरी तो जैसे ही आप छोड़ेंगे इस तरह दबाकर खोलने के बाद, तो फिर से स्विच ऑफ हो जाएगी। तो अगर ये बैटरी ढीली है तो यहाँ पर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लगाकर आप इसे इस तरीके से लगा देना, फिर आप अपने इस कवर को लगा देना, फिर आप मोबाइल को स्विच ऑन करना, 100% स्विच ऑन हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज है तो भी मोबाइल स्विच ऑन नहीं होती है। आपको मोबाइल को चार्जिंग में खोस कर ऐसे आप चेक कर लेना कि मोबाइल चार्ज हो रही है कि नहीं। अगर पूरा डिस्चार्ज रहेगी तो भी यहाँ पर स्विच ऑन नहीं होती, और इस तरीके से आप 100% इसे सही कर सकते हैं। तो गाइस, आज के बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।